ये देखिए, इस गाड़ी में इतने सारे सेंसर्स हैं कि इस कार को इस टाइम ये पता है कि यहाँ पर कितने सारे लोग इस गाड़ी के आसपास घूम रहे हैं। ये कार का इंटीरियर आपको बहुत अमेजिंग लगने वाला है। यहाँ पर आपको बहुत बिग साइज इंफोटेनमेंट, 38 सेंसर्स हैं, 3 लाइडार्स का यूज किया गया है, 5 रेडार्स का यूज किया गया है और 14 अल्ट्रासोनिक रेडार्स का यूज किया गया है। यहाँ पर इन टोटल 16 कैमरास का यूज किया गया है। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आज आपके लिए मैं इतनी पावरफुल एसयूवी लेके आई हूँ कि मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से कि इतनी माइंड ब्लोइंग, इतनी अमेजिंग एसयूवी आज तक आपने नहीं देखी होगी। मैंने भी नहीं दिखाई है, किसी और ने भी नहीं दिखाई है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास है। ये हमारी इंटरनेशनल कार सीरीज चल रही है, जहाँ पर मैं आपको बहुत अमेजिंग अमेजिंग कार्स दिखाने वाली हूँ, जहाँ पर हम लोग बेसिकली ये देखने वाले हैं कि इंडिया में हमें क्या ऑफर किया जाता है और इंटरनेशनल मार्केट में क्या क्या चीज़ें हैं और कितने प्राइस में वो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगी आज मैं इस कार के साथ, जिसने मेरा दिमाग पूरा घुमा दिया है। ये कार जो हमारी है, ये BYD से कनेक्टेड है। BYD का एक सब ब्रांड है यांग वैंग करके, उनकी कार है ये और इसका नाम है U8। जितना सिंपल नाम है उतनी खतरनाक कार है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। फ्रंट प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्रंट कार का आपको बहुत अट्रैक्टिव लगने वाला है। यहाँ पर जो ये DRL डिजाइनिंग है, ये आपका मतलब बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रही है। ये भी आपका सेगमेंट अट्रैक्टिव है। हेडलैम्प्स आपके यहाँ पर प्लेस किए गए हैं, LED हेडलैम्प्स है। DRL में भी LED का यूज किया गया है। जो डिफरेंट चीज यहाँ पर आपके नोटिस में आएगी वो ये है कि जो आज तक हमने DRLs को देखा वो यूजुअली हमारे इस तरफ यहाँ पर कहीं होते हैं या सेंटर में कनेक्टेड भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन ये आपके एक्सटेंड हुए हैं टुवर्ड्स द हुड, जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल अपील दे रहे हैं। और इस डिजाइन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने सेम डिजाइनर ग्रिल का यहाँ पर यूज किया गया है, जो इस सेम डिजाइन के साथ है। फुल ऑन एक बोलूंगी सिमेट्री को इतने स्मार्टली मेंटेन किया गया यार कि दिल खुश हो गया मेरा इस गाड़ी को देख करके। क्या कार है ये। यहाँ पर हमारे पास रडार दिया गया है, नीचे के साइड में पार्किंग सेंसर्स हैं और ये है हमारा फ्रंट कैमरा। फ्रंट प्रोफाइल कार का आपको बहुत बल्कि लगेगा। बहुत बड़ी बड़ी कार हमने देखी होगी, जैसे इंडिया में हम लोग ज्यादातर बात करते हैं कि डिफेंडर बहुत ज्यादा लंबी और ऊंची कार है, वो गाड़ी बिलीव मी इसके सामने बच्ची लगेगी। इस कार में हमारे पास 38 सेंसर्स हैं, 3 लाइडार्स का यूज किया गया है, 5 रेडार्स का यूज किया गया है और 14 अल्ट्रासोनिक रेडार्स का यूज किया गया है। कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इन टोटल 16 कैमरास का यूज किया गया है, जो आपको मैं मूव करती जाऊंगी तो दिखाती जाऊंगी। आइए मेरे साथ। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इतनी चीजें बताई, इतनी ज्यादा हम लोग देखते जा रहे हैं कि फीचर्स है भर भर के फीचर्स हैं, तो गाड़ी का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। 5 या 10 करोड़ की भी हो सकती है ये गाड़ी, क्योंकि हमारी जो इंडिया में रेंज रोवर आती है उसमें भी इतनी चीजें नहीं होती है। यहाँ पर आपको सिर्फ 1.20 करोड़ खर्च करने हैं, उसके बाद ये गाड़ी हो जाएगी आपकी विद दीज सो मेनी फीचर्स। अमेजिंग कार यार, बार बार बोलूंगी, वर्ड्स खत्म हो रहे हैं भैया, मेरा दिमाग घुमा दिया इस गाड़ी ने। साइड में जैसे हम मूव करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो टायर प्रोफाइल है, दैट इज 275/50 R22। बहुत स्मार्ट डिजाइनिंग है यहाँ पर, बहुत ज्यादा जस्टिफाई कर रहा है इसके डिजाइन को। क्लैडिंग में भी डिजाइनर सेगमेंट यहाँ पर ऐड किया गया है, जो बहुत नेक्स्ट लेवल अपील दे रहा है। यहाँ पर हमारा टर्न इंडिकेटर है, ये जो यूनिट आपको दिखाई दे रही है दिस इज रेडार, और यहाँ पर आपको कैमरा दिया गया है। थोड़ा फर्दर पीछे मूव करेंगे, ये हमारा ORVM है, इसमें अगेन यहाँ पर आपको कैमरा मिलता है, यहाँ पर आपको कैमरा मिलता है। आपको मैंने बताया इस कार में इन टोटल यू हैव 16 कैमराज और एक आपके पास यहाँ पर भी कैमरा दिया गया है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के लिए है, कुछ आपके लेन असिस्ट के लिए है, कुछ कोलिजन कंट्रोल वार्निंग है, कुछ आपके इमरजेंसी ब्रेकिंग है। बहुत सारे फीचर्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो हमारा एडास सिस्टम है वो आपका रेडार बेस्ड एंड कैमरा बेस्ड है। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे के साइड में हमें स्टेप पैडल दिए गए हैं, ऊपर के साइड में ये जो डिज़ाइनिंग है ये आपको बहुत क्लासी लगने वाली है, बहुत अच्छे से यहाँ पे डिज़ाइन का मैं बोलूँगी कि बिल्कुल कंपनी ने यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। अच्छा, अगर हम इसके डायमेंशन की बात करते हैं तो जो इस कार की लेंथ दैट इज़ अराउंड 5.3 meters, कार की जो ब्रॉडनेस है दैट इज़ अराउंड 2 meters और जो इसकी हाइट है दैट इज़ ऑल्सो अराउंड 2 meters। तो बहुत अच्छी खासी डायमेंशन वाली मस्कुलर और अग्रेसिव कार है ये। डोर हैंडल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको फ्लश डोर हैंडल्स दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास AC DC चार्जिंग के लिए कंट्रोल दिए गए हैं। इस कार के अंदर 49 kWh की बैटरी का यूज़ किया गया है, जो आपका 30-80% इन जस्ट 5 मिनट्स में फुल ऑन चार्ज कर देगा। अगर आप U8 को सिर्फ EV मोड के अंदर चलाते हैं तो जो वहाँ पे आपको रेंज मिलेगी दैट इज़ 180 किलोमीटर, और अगर आप इसको कंबाइंड में चलाएंगे, क्योंकि हाइब्रिड हमारा मॉडल है ये, और अगर आप इसको हाइब्रिड मोड के अंदर चलाते हैं तो वहाँ पर जो आपको माइलेज मिलेगी दैट इज़ 120 KMPL। तो यार
इतना खतरनाक इसके स्पेक्स हैं कि इतनी बल्कि गाड़ी होने के बाद, इतनी बड़े साइज की गाड़ी होने के बाद, इतनी हैवी गाड़ी होने के बाद यहाँ पर आपको 120 की माइलेज मिल रही है, विच इज नेक्स्ट लेवल। और अगर आप इसे ईवी में भी चलाते हो तो वहाँ पे भी 180, मतलब बहुत ही अमेजिंग डील है। मतलब मुझे इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता भाई। आइए कार के रियर की अगर हम लोग बात करते हैं तो रियर भी आपको बहुत अग्रेसिव, बहुत बल्की लगेगा। ऊपर के साइड में आप देखिए यहाँ पर आपको दो कैमरा दिए गए हैं, स्पॉइलर आपको बहुत स्वीट सा छोटू सा मिलता है यहाँ पर। ये हमारी बैक लाइट है। स्पेयर टायर आपका इसके अंदर प्लेस किया गया है, इसका ये कवर ऑब्वियसली कार के साथ ही आपको मिलेगा। यहाँ पर आपका फुल साइज टायर है एंड इट इज़ विद अलॉयज। कैमरा आपका एक यहाँ पर भी प्लेस किया गया है। और फर्दर नीचे की तरफ मूव करेंगे तो U8 की बैजिंग मिल जाएगी, जो हमें फ्रंट में DRL पैटर्न मिला था उसी टाइप के DRLs आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं। ये डायमंड कट में है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। और ये वाला लाइट सेगमेंट आपका दिल जीत लेगा भाई, ये बहुत क्लासी लग रहा है। और अगर आपको इसके बूट को ओपन करना है तो आप इसे यहाँ से करेंगे। ये बहुत ज़्यादा हैवी है, बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो सीरियसली जान लगानी पड़ गई भाई। यहाँ पर आपका अल्कंटारा का आपको यूज़ दिखाई देगा, वुडन फिनिश का यूज़ किया गया है, लेदर का यूज़ किया गया है। अगेन डिज़ाइनिंग का कहीं पर भी कुछ उन्होंने कमी नहीं छोड़ी है। हाइड्रोलिक हमारा डोर है ये। यहाँ पर ये जो सेगमेंट है यहाँ पर फुल ऑन क्रोम का यूज़ किया गया है, थोड़ा सा ग्रिप देने के लिए ये सेगमेंट यहाँ पर ऐड किया गया, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। नीचे के साइड में हम देखते हैं तो यहाँ पर आपका बैटरी पैक है इस यूनिट के नीचे। इन कंट्रोल से आप अपनी मिड रो को कंट्रोल कर सकते हैं, आप उनको अप करना चाहते हैं, डाउन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको यहाँ कंट्रोल दिए गए हैं। अगर आप अपने बूट की हाइट को भी अप और डाउन करना चाहते हैं उसके कंट्रोल भी आपके पास है। अगर बहुत ज़्यादा सामान आपने कैरी कर रखा है तो यहाँ से उसकी इस हाइट को आप नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 220 वोल्ट्स का AC सॉकेट दिया गया है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको उस तरफ दिया गया है, और पीछे के साइड में आपका सबवूफर प्लेस किया गया है। कवर करना चाहते हैं सामान को तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन भी दिया गया है। और यहाँ पर कैमरा आपको नीचे के साइड में भी दिया गया है। ये कार का इंटीरियर आपको बहुत अमेजिंग लगने वाला है। यहाँ पर आपको बहुत बिग साइज इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि कार की सारी एक्टिविटीज़ को ये कैप्चर करता है। ये गाड़ी आपकी ऑब्वियसली 4x4 में है, डिफरेंट डिफरेंट टेरेंस यहाँ पे शो कर रहा है, स्नो, मड, सैंड, वेडिंग, ये सब चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। सीट वेंटिलेशन कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ पर चारों जो सीट्स हैं, फ्रंट रो और जो आपकी मिड रो है, वहाँ पर सीट वेंटिलेशन ऑफर किया जाता है, और ये चारों ही आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। स्टीयरिंग की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ आपका जो थीम आपके सीट्स में लिया गया है वही सेम थीम इन्होंने डैशबोर्ड प्रोफाइल पे, स्टीयरिंग पे, हर जगह पर लिया है। इसके अंदर हल्का सा ब्लैक पियानो फिनिश का टच दिया है इन्होंने। और ये जो डायल्स आपको दो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये जो आपका डायल है ये आपका ड्राइविंग मोड्स के लिए, और ये आपका डिफरेंट टेरेंस के लिए है जिन्हें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, ड्राइव, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, ये आपके पास यहाँ पर मोड्स दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग और इमरजेंसी अलर्ट के लिए सेंसिटिविटी को अप और हाई करने का कंट्रोल दिया गया है। यहाँ से आप अपनी वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं। ये आपका फेवरेट्स के लिए बटन दिया गया है, और ये आपका कैमरा के लिए दिया गया है। 360 डिग्री कैमरा कवरेज है, और इतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाती है यहाँ से। ये जो कंट्रोल आपको मिलता है इसके थ्रू आप अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस। ये देखिए इस गाड़ी में इतने सारे सेंसर्स हैं कि इस कार को इस टाइम ये पता है कि यहाँ पर कितने सारे लोग इस गाड़ी के आसपास घूम रहे हैं। नीचे के साइड में आपको कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये आपका ट्रैक्शन के लिए है, ये एयर सस्पेंशन के लिए है, और ये आपके 4x4 कंट्रोल्स है। यहाँ पर आपको दो फोन के लिए वायरलेस चार्जर का कंट्रोल दिया गया है, बॉटल होल्डर की जगह आपको यहाँ मिल जाती है। अंदर के साइड में आपको स्पेस मिल जाता है, और इसके अंदर आपका रेफ्रिजरेटर है जिसकी ओपनिंग है इस तरीके से। यहाँ पर आपको एक और स्क्रीन दिया गया है जो आपका पैसेंजर के लिए है। यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग्स वो कर सकते हैं, एक तो अपने फ़ोन को मिरर कर सकते हैं, फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट सर्व कर सकते हैं, और अपने सीट के लिए बहुत सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट मसाज ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। और बाकी जो सीट्स हैं इस कार में वो चारों आपकी इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट के साथ है। ऊपर के साइड में आपको एयर वेंट्स दिए गए हैं, और इनकी डिज़ाइनिंग बहुत आपको यूनिक लगेगी। ओवरऑल कार का एम्बियंस बहुत सूदिंग लगता है, बहुत ज़्यादा क्लासी लगता है, गाड़ी बहुत फ्यूचरिस्टिक, बहुत टेकी आपको फील देती है। इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM आपको मिल जाता है। ऊपर के साइड में आपको पैनोरामिक सनरूफ ऑफर किया जाता है, और ये आपको हैप्टिक टच के साथ कंट्रोल दिए गए हैं। आपको यहाँ पर दो सनशेड्स मिल जाते हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, जैसा आपको Audi Q7 वगैरह में भी मिलते हैं यार गाड़ियाँ, ये तो हमने देखा हुआ है।
डोर पैनल की अगर आप बात करेंगे तो देखिए डोर के अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट डिजाइनिंग पैटर्न का यूज़ किया गया है। ऊपर के साइड में थोड़ा सा ये ग्लॉसी में दिया गया है, फिर आपका वुड फिनिश आ जाता है, लेदर का यूज़ किया गया है। नीचे के साइड में जो स्पीकर है आपका, ट्विटर है आपका, उसमें थोड़ी डिजाइनिंग डिफरेंट कर दी गई है। एंड इन टोटल जो कार का मैं बोलूँगी कि लेआउट है, कार की जो डिज़ाइनिंग है उसे बहुत सुंदर बनाया गया है। गाड़ी हर तरीके से, चाहे हम एक्सटीरियर की बात करें चाहे इंटीरियर की बात करें, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। रियर डोर की अगर हम लोग बात करते हैं तो डोर की डिज़ाइनिंग आपको मिलती है कुछ ऐसे। ये वाला पैटर्न आपको बहुत क्रेजी लगने वाला है। ऊपर के साइड में आपका ट्विटर है, नीचे स्पीकर दिया गया है, हर जगह पर आपका सॉफ्ट टच का यूज़ है, कोई भी पार्ट आपका प्लास्टिक में नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा वुडन फिनिश का यूज़ किया गया है। मल्टीमीडिया स्क्रीन दिए गए हैं और ये बच्चा बहुत घंटों से यहाँ पे बैठा है, बिल्कुल उतरने का नाम नहीं ले रहा। पता नहीं क्या देखा जा रहा है, ये तब से गेम भी नहीं चल रहा इसका तो। और जो सीट एडजस्टमेंट है वो आपको इलेक्ट्रिक दी गई है और यहाँ से आप अपनी सीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। लंबर्ड सपोर्ट है, हाइट सपोर्ट है और यहाँ पर आपको मसाजर के ऑप्शन भी दिए गए हैं। सेंटर में आपको AC वेंट्स दिए गए हैं और नीचे के साइड में आपको क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट मिल जाता है। कार के अंदर आपको स्टेप पैडल दिए गए हैं और जो बहुत रिक्वायर्ड है क्योंकि जो गाड़ी की हाइट है वो काफ़ी अच्छी खासी है। मल्टीमीडिया स्क्रीन वगैरह आपको बता चुकी हूँ तो ये कार का फील है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेग रूम है, बहुत ज़्यादा हेड रूम है। अब जो U8 हमारी है ये ग्लोबल मार्केट का प्रोडक्ट है और काफ़ी ज़्यादा बिकती भी है ये कार, काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। इसके काफ़ी सारे रीजंस है, सबसे मेन रीज़न है इस कार की ह्यूज डायमेंशन। इस कार के लुक्स आपको मैंने दिखाया, फ्रंट से रियर से हर तरीके से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये। दूसरा रीज़न यहाँ पर आता है कि सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड व्हीकल है ये। बहुत सारे यहाँ पर रेडार्स, अल्ट्रासोनिक रेडार्स, कैमरास, बहुत सब कुछ यूज़ किया गया है जिसकी वजह से इसकी सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तीसरा है इसकी परफॉर्मेंस विच इज़ माइंड ब्लोइंग। ये गाड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देती है इतने बिग साइज़ का होने के बावजूद भी। तो हर तरीके से फैबुलस व्हीकल है। आपको कैसी लगी U8 बताइएगा मुझे ज़रूर, और हमारी कंट्री में ये गाड़ी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए वो भी मुझे बताइएगा। और अगर आती है तो आपको क्या लगता है कि कितने प्राइस के ऊपर आएगी? और आज आपको मेरी ड्रेस बहुत डिफरेंट लग रही होगी क्योंकि जिस दिन मैं इस कार को शूट करने आई थी ना, इतनी भीड़ होती है, बिलीव मी, जितनी यहाँ पर किसी कार को लोग नहीं देख रहे उतना इस कार को देख रहे हैं, U8 को। मैं कार का इंटीरियर आप लोगों के लिए कवर ही नहीं कर पाई थी, तो अब मैं फिर से 3-4 दिन के बाद आई हूँ कि आज थोड़ा खाली जगह मुझे मिल जाएगी। लेकिन आज भी ये वहाँ से यहाँ पर बैठे हैं और बिल्कुल कार में से निकलने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन ठीक है मैंने शूट कर ली। और कार में से बाहर निकलने के लिए आपको सिंपली इस बटन को प्रेस करना है और आपका डोर हो जाएगा ओपन। चलिए अब बात करते हैं इस कार के इंजन की। अब देखिए इतनी ह्यूज कार है तो हमें लगेगा बहुत बड़ा इसमें इंजन लगा होगा, नहीं यार, यहाँ पर प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। सिंपल सा छोटा सा 2 लीटर पेट्रोल इंजन का यूज़ किया गया है, लेकिन जो ये 2 लीटर पेट्रोल इंजन है इसकी ट्यूनिंग इतनी खतरनाक है, जो आपको पावर देता है 1180 HP, 1180 हॉर्स पावर ये जनरेट करेगा और टॉर्क जो आपको मिलता है दैट इज 1280 Nm। तो ये इतनी माइंड ब्लोइंग चीजें हैं कि मतलब मैंने बोला था दिमाग घुमाती जाएगी गाड़ी। यहाँ पर जो बैटरी का यूज किया गया दैट इज ऑफ 49 kWh और ये जो गाड़ी है ये इतनी केपेबल है कि 0 to 100 ये पहुंच जाएगी आपके इन जस्ट 3 seconds। तो अगर हम लोग बोले कि यार ऑफ रोडिंग और स्पीड का डेडली कॉम्बिनेशन है, दैट इज U8। तो दोस्त ये थी हमारी U8। ये कार आपको कैसी लगी बताना मुझे जरूर, जैसा मेरा दिमाग घुमा आपका डेफिनेटली घुमा हुआ क्योंकि बहुत माइंड ब्लोइंग है, बहुत अमेजिंग है। सीरियसली मतलब इसको देख कर ना ऐसा लगा है कि यार इतने पैसे में ऐसी चीज भी मिल सकती है, नेक्स्ट लेवल।